हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबने रेनॉल्ड्स का ट्राइमेक्स पेन तो यूज़ किया ही होगा। ये एक रोलर बॉल पेन है, तो रोलर बॉल पेन काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं। तो अगर आप भी रोलर बॉल पेन के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम लेके आए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा रोलर बॉल पेन। तो यह है फ्लेयर 1800 लिक्विड इंक पेन। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली रोलर बॉल पेन है, सिर्फ 30 रुपीज़ इसका MRP है। तो अगर आप एक न्यू रोलर बॉल पेन ट्राई करना चाहते हो तो आपको एक चीप पेन मार्केट में दिख जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने कर लिया अनबॉक्स, तो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये पेन। यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का क्लिपर देखने के लिए मिल जाता है और बॉडी इसकी पूरी प्लास्टिक की है। यहाँ पेन के ऊपर पेन का नेम मेंशन्ड है, 1800 लिक्विड इंक पेन, और फ्लेयर की ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी कैप के ऊपर भी और पेन बॉडी के ऊपर। तो बात करें इसकी निब की, यहाँ पे आपको एक नीडल टिप देखने के लिए मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको फाइन राइटिंग में हेल्प करेगी। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप इससे लिख सकते हो। पेन ग्रिप करने में भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो बात करें इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो पेन पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी पेन लग रहा है। ओवरऑल तो प्लास्टिक का बना हुआ है, बट अगर आप इसको होल्ड करोगे तो आपको काफ़ी हैवी लगेगा, आपको लगेगा कि आपने एक हाई क्वालिटी का पेन पकड़ा हुआ है। निब तो आपने इसकी देखी है कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इसको मैंने ओपन करने की कोशिश करी, तो ओपन ये नहीं होता, ये यूज़ एंड थ्रो पेन है, इसको आप वन टाइम ही यूज़ कर सकते हो। एक बार फ्लैश में आप देख लो इसकी बॉडी पर कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। तो अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जिसके लिए स्टूडेंट पेन खरीदता है लिखने के लिए। तो चलने में पेन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल स्मज प्रूफ है, एकदम क्विक ड्राई हो जाता है। और इंक का कलर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो मुझे तो चलने में ये पेन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ये पेन ज़रूर ट्राई कर सकते हो, रोलर बॉल पेन अगर आप लेना चाहते हो या फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो। आप देख सकते हो इंक इसकी काफ़ी क्विकली ड्राई हो जाती है, और इसका इंक फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आप देख सकते हो किसी तरीके की ब्लॉबिंग आपको हैंडराइटिंग में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मुझे तो ओवरऑल ये पेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो फ्रेंड्स, इंक इस पेन की काफ़ी ज़्यादा डार्क है, बट रोलर बॉल पेन्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो वाटरप्रूफ नहीं होते। सिर्फ यूनिबॉल के पेन आपको वाटरप्रूफ देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे इसका भी हमने वाटरप्रूफ टेस्ट करके देखा, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी इंक जो है वो पेज पर फैल गई है। तो फ्रेंड्स, इसकी इंक बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, और आप देख सकते हो ये इस पेज के अलावा इसके पीछे वाले पेज पर भी फैल गई है। तो ओवरऑल अगर इस पेन की बात करें तो चलने में काफ़ी अच्छा है और बजट फ्रेंडली है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बाकी अपनी नोटबुक को पानी से बचा के रखना। और आपको ये पेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो।